हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट 47। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं आज का टॉपिक आपको बताता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फेमस पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। आज मैं आपको 13 कंट्रीज के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के कलेक्शन हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पहले देश का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं। एक है फ्रीडम पार्टी, जिसका गठन 1951 में हुआ और इसके प्रेजेंट लीडर हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। दूसरी पार्टी है यूनाइटेड नेशन पार्टी, जिसका गठन 1946 में हुआ। इसके प्रेजेंट लीडर हैं रैनिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रैनिल विक्रमसिंघे। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबाते हुए चलिए आप, ठीक है, और शेयर करते हुए चलिए। इतनी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। तो देखिए, चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, यहाँ पे फेमस पार्टी यही है और इससे क्वेश्चन आया था इसलिए मैं इसको लिया हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन कहाँ, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेजेंट लीडर कौन थे। तो आपको उसमें चार ऑप्शन दिया था, तो इसमें से सही ऑप्शन था जी जिनपिंग। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1978 आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट देश के ऊपर चलते हैं। ये झंडा आपको दिख रहा होगा, यह है पाकिस्तान का झंडा। तो पाकिस्तान में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, फेमस पॉलिटिकल पार्टी। मुस्लिम लीग पार्टी से क्वेश्चन आया था कि ऐसे पूछा था वहाँ पे कि शहबाज शरीफ किस देश के और किस पार्टी के नेता हैं, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे आपका आंसर दो था, पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग पार्टी, ये आपका आंसर था। लेकिन यहाँ पे इसका गठन हुआ 1962 में, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। आप लोग इसको लिखते हुए चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्टी है, ठीक है। इसका गठन 1967 में हुआ। इसके प्रेजेंट लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये झंडा आपको ज़रूर दिख रहा होगा, ये झंडा जिसमें है 24 तीलियां। ये झंडा हमारे हिंदुस्तान का है, तो पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान आता है कि हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान आता है, ये हमें नहीं जानना है, हमें तो बस पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा हम लोग पाकिस्तान को क्यों पहले रखें सॉरी। चलिए, वो इसलिए कि जैसा मतलब लाइन वाइज इसमें लग गया है, और मेरा ऐसा कोई मकसद, मेरा पढ़ने से मतलब है, जो भी वीडियो देखे पूरा ज्ञान अर्जित करके जाए। ये क्वेश्चन में आया था, ठीक है, क्वेश्चन में आया था कि नरेंद्र मोदी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया कि राहुल गांधी से पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए सोनिया गांधी, ठीक है। ये वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बट जो है ये लिखा हुआ देख लीजिए, इसका गठन 1885 में हुआ और इसके प्रेजेंट लीडर हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट लीडर हैं अमित शाह। लीडर से मतलब है अध्यक्ष,
ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इन इसका कब इस्टेब्लिश हुआ, 1980। एक बात और क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए जनता पार्टी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये वही ब्रिटेन है, ब्रिटेन का मैप है ना, यूनाइटेड किंगडम का मैप है। ठीक है, तो देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम में तीन पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं फेमस, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबर पार्टी का गठन 1900 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर है जेरेमी कॉर्बिन। कंजर्वेटिव पार्टी, इसका गठन 1834 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर है बोरिस जॉनसन। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका गठन 1988 में हुआ, 1988 में, इसके प्रेजेंट लीडर है एड डेवे एंड साल बेंटन। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। वीडियो को जितना शेयर करना है कर दो दोस्तों तक, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसमें से एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट्स को नोट करिए, किसी भी एक एग्ज़ाम में ये फंस सकता है। देखिए, अब मोदी जी जहाँ जहाँ यात्रा की हैं उससे मैं रिलेटेड एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है, ताकि मैं वो जब वीडियो लाऊं, कल परसों में वीडियो आने वाला है, मोदी जी की यात्राएं कहाँ कहाँ हुई, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, वो सब बताऊंगा। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन कौन सी पार्टी चलती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी चलती है और रिपब्लिकन पार्टी चलती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1828 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर हैं टॉम पेरेज। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी का गठन कब हुआ, 1854 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर है रोना मैकडेनल। तो चलिए, आपको झंडा दिखना चाहिए, ये फ्लैग किस जगह का है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, फ्रांस का झंडा है। ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस में कौन सी पार्टी चलती है, फ्रांस में तीन फेमस पॉलिटिकल पार्टी चलती है, फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी। इस्टेब्लिश हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई कब हुई, 1969 में, इसके प्रेजेंट लीडर है वैलेरी रॉबर्ट। सेकेंड पार्टी है नेशनल रैली पार्टी, इसका गठन 1972 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर है मैरीन ली पेन। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है फ्रेंच डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसका गठन हुआ 1978 में, जिसके प्रेजेंट लीडर है वैलेरी गिस्कार डी स्टेनिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मेरी जो कंट्री है इसको आप देखिए, आप लोग देखे होंगे मैच में, अगर आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, मैं खुद हूँ शौकीन क्रिकेट का, तो आइए देखिए, ये साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलती है, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी और दूसरा नेशनल पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कहाँ चलती है ये, इसका गठन ये चलती है साउथ अफ्रीका में और इसका गठन हुआ 1912 में, इसके प्रेजेंट लीडर हैं सिरिल रामाफोसा। और नेशनल पार्टी को देख लीजिए, ये नेशनल पार्टी कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1914 में हुई थी। ठीक है, इसके प्रेजेंट लीडर हैं JBM हर्जोग। अब ये नक्शा, ये जो मैप है वो किसका है, ज़्यादा ध्यान से देखिए, अपने अपने मन में, आप जैसे अब जब ये वीडियो आएगा आपके पास, तो आप ज़रा देख के बता दीजिएगा, बिना देखे वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि आप ये किस जगह का मैप है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बता ही देता हूँ ये किस कहाँ का है, ये इसराइल का मैप है। तो इसराइल में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसराइल लेबर पार्टी और लिक्वुड पार्टी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और दो पार्टी हैं, एक दो पार्टी और हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसराइल लेबर पार्टी
मतलब इसी से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया था लीडर से संबंधित, पहले कोई और लीडर था, लीडर से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। लीडर जो थे मतलब ये प्रेजेंट है, इससे पहले के पहले जो लीडर थे उससे क्वेश्चन आया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट लीडर थे आमिर, प्रेजेंट लीडर हैं आमिर पैरेच, और इसका गठन हुआ 1968 में। दूसरी पार्टी है लिक्विड पार्टी, जिसका गठन 1973 में हुआ, जिसके प्रेजेंट लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और आप कमेंट में करके, कमेंट में लिख के बताइएगा वीडियो पॉज करके, बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, ठीक है, इसमें से कमेंट करिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके, अब बिना देखे हुए बताइएगा, तभी आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रसिया के बारे में, ठीक है। तो रसिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं, दो पार्टी चलती फेमस, ठीक है, जिसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी को 1951 में बैन कर दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी को 1951 में बैन कर दिया गया था, जिसके प्रेजेंट लीडर थे बोरिस यल्टसिन, ठीक है। दूसरी का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी का गठन 1989 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर हैं वालामदी रिनो विस्की, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट के बारे में दिखाता हूँ, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है भाई साहब, ओ भाई साहब कौन सी है, ये देखिए ज़रा झंडा देखिए, हमारे भारत के बगल का है, नेपाल का है, ठीक है। तो नेपाल का है, तो नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है वो कौन सी है, नेपाली कांग्रेस पार्टी, इसका गठन 1950 में हुआ, ठीक है। और इसके प्रेजेंट लीडर हैं शेर बहादुर, और इस पार्टी का गठन, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, जिसके प्रेजेंट जो पार्टी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इस उसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली, और केपी शर्मा ओली आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के या प्रेसिडेंट हैं नेपाल के, ये दो ऑप्शन में आपको पॉज करके पहले उसको कमेंट कर देना है, ठीक है। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा इसको और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं बांग्लादेश के बारे में बताने जा रहा हूँ, बांग्लादेश में कौन कौन सी पार्टी चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। शेख हसीना किस पार्टी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। आवामी लीग पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी पार्टी है और फेमस पार्टी, ये दो फेमस पार्टी हैं वहाँ की। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन 1978 में हुआ, जिसके प्रेजेंट लीडर हैं बेगम खलीदा जिया। आवामी लीग पार्टी का गठन 1949 में हुआ और जिसके प्रेजेंट लीडर हैं शेख हसीना, ठीक है। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं इससे बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आप एक बार खुद का बना के देखिएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये कंटेंट खोज के ला रहा हूँ, कई किताबों को मैं पढ़ा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, ये लास्ट है मेरा, लिबरल पार्टी, इसका गठन 1944 में हुआ, इसके प्रेजेंट लीडर हैं निक ग्रीनर,
ठीक है दोस्तों, दूसरी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, जिसका गठन 1901 में हुआ। इसके प्रेजेंट लीडर हैं एंथोनी एल्ब्रीस। तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, आपको कितना आया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना उसमें, ठीक है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, आपको कमेंट में लिखना है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है, लिख दीजिए प्राइम मिनिस्टर को भी, ठीक है दोस्तों। चलो चलिए आज इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों कल जो वीडियो आने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इसको मिस मत करिएगा।